और सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे, तमाम कैबिनेट के सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं। रोजगार की सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रयागराज को मिल रही है। 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है, कैबिनेट के कई सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो क्या कह रहे हैं या पुसरा माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 प्रयागराज के फूलपुर में आयोजित आज के इस रोजगार मेला स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में युवाओं के तकनीकी सक्षमता के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम और नए स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए ऋण मेला के लिए और प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल, माननीय सांसद भदोही श्री विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, विनोद प्रजापति जी, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय विधायक गण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक गण श्री राजमणि कोल जी, वाचस्पति जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव जी, उत्तर मौर्य जी, माननीय विधायक पीयूष रंजन निषाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर के सभी उपस्थित नागरिकगण, युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, एक साथ इतने बड़े रोजगार मेले के माध्यम से, विकास परियोजनाओं के माध्यम से मुझे प्रयागराज की धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए फूलपुर की धरती को, प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन नौजवानों को आज रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आज
यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिन युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी मिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने, आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है, इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था हमारे यहां की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था, जिसमें विकास खंड बहादुरपुर थाना क्षेत्र हंडिया के अंतर्गत ग्राम ढोखरी में वहां की सड़क का जो प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग से के सैदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की एक सड़क थी, यह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आज उसकी भी स्वीकृति पत्र लेकर के हम आए हैं कि इसके लिए भी पैसा हम एक साथ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अकेले फूलपुर की ही काफी बड़ी योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। फूलपुर की जितनी भी योजनाएं प्रवीण पटेल जी ने, केसरी देवी पटेल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वे सभी सैंक्शन करते हुए आज उनका शिलान्यास के पट यहां पे लगे हैं, गांव में लगेंगे, एक समय सीमा के अंदर एक कार्य भी पूरे होंगे और फूलपुर फिर से अपने फूल की तरह कमल का फूल खिलता हुआ यहां दिखाई दे, इसके अपेक्षा के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज युवाओं के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, जिसमें 108 कंपनियां यहां पे रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं और साथ साथ यहां पे 510 करोड़ रुपए का ऋण वितरण, 7,100 से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। तो अकेले फूलपुर के 10,000 से अधिक युवाओं को और प्रयागराज के 15,000 से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बहनों और भाइयों, इन सब के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपके पास से कहने के लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने लोकसभा चुनाव में प्रयागराज फूलपुर प्रयागराज जनपद की फूलपुर लोकसभा सीट पर श्री प्रवीण पटेल जो हमारे विधायक थे उन्हें लोकसभा में चुनाव जिता करके भेजा है। और प्रवीण पटेल आज आपकी सेवा के साथ सांसद के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और इसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं फूलपुर में आया हूं। फूलपुर को इसी प्रकार से जैसे इफको के अंदर आपको साफ सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है, अच्छी टाउनशिप मिल रही है, एक व्यवस्थित कार्य योजना
योजना के साथ यहाँ का प्रबंधन जैसे इस टाउनशिप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं श्री प्रवीण पटेल कोटपुर को पूरी लोकसभा सीट को इसी तर्ज पर यहाँ के माननीय विधायकों के साथ मिलकर के, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर के इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनको ताकत तो आपको भी देनी पड़ेगी, आपको भी देनी पड़ेगी बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं। ये प्रयागराज हमारा आध्यात्मिक नगरी है, देश और दुनिया बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आती है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस त्रिवेणी में संगम में स्नान करके जन्म जन्मांतर को अपने पुण्यों के साथ जोड़ने का काम करती है। ऐसी पावन धरा जहां साक्षात भगवान प्रयागराज का दर्शन हमें प्राप्त होता है, द्वादश माधव का दर्शन प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, मां गंगा के सीम कृपा जिस क्षेत्र पर बनी रहती है, वह क्षेत्र जो सनातन धर्मावलंबियों का वैदिक कालखंड से ही सरदार आस्था का केंद्र बिंदु रहा है, जिस केंद्र में दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने, जिस प्रयागराज ने स्थापित की थी, उस प्रयागराज के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा कर दिया था, किसने खड़ा किया था? ये जो जाति जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी और घोषणा अपनी मनगढ़ंत में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू हाथ सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। क्या ये सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं, क्या ये सच नहीं? इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था। पीटिए राजू पाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी, तब राजू पाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं, हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा, ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा,
और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। 2013 में जो भी आया होगा, संकल्प लेके गया कि दोबारा इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में नहीं आऊंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब 2019 में प्रयागराज कुंभ हुआ, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों ने, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बोगड़ा जोशी, श्रीमती केसरी देवी पटेल, महापौर यहां पर उस समय की महापौर ने, और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के, यहां के मान्य विधायकों ने, सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया। और प्रणाम क्या रहा, 2019 में कुंभ कैसे होता है प्रयागराज ने बता दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है। प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा था, और बहनों और भाइयों, उसी सम्मान को बहाल करने के लिए आज हम फिर आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। अच्छा काम करते हैं, व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है, और साथ साथ हमारे शहर को भी, हमारे जनपद को भी एक नई पहचान मिलती है। जब अच्छा काम करते हैं, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं प्रयागराज से हूं, फूलपुर से हूं, लोग सम्मान देंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, क्या ये सम्मान उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रयागराज वासियों को 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले तो कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कहां से आए हैं, अगर कोई कह दे कि यूपी से है, प्रयागराज से है, गोरखपुर से है, तो उस समय लोग बड़ी हेत इससे देखते थे, हटा देते थे, कहते थे ठीक है आप जाइए भैया। लोगों को लगता था पता नहीं किस भेद से आया है, क्यों आया है। यानी होटल और धर्मशाला में भी कहीं कमरा नहीं मिलता था देश में। ये पहचान का संकट इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था, जो आज पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे, और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है, यहां उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे, और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। हम लोगों ने तो कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसकी जगह जेल होगी जेल। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और जो करेगा जेल भी भेजेंगे, संपत्ति को जब्त भी करेंगे, और फिर जैसे प्रयागराज में माफिया की जमीन पर कब्जा से मुक्त करवा करके गरीबों के आवास बनाए गए हैं, ऐसे ही आवास भी बनाएंगे, महिला संरक्षण गृह भी बनाएंगे, और समाज के अलग अलग तबके के लिए भी आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए नेक नियत चाहिए, सरकार की नीति चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, चुनौतियों से सम और विषम परिस्थितियों में लड़ने का, आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया था, ना युवाओं को नौकरी मिलती थी, ना रोजगार मिलता था, ना कोई निवेश करने के लिए आता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी, समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था, दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं, अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे,
इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहनों और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड़ है, कोड़। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। मेरे लिए आज प्रयागराज आना बहुत महत्वपूर्ण है, फूलपुर में आना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि लगातार हमारा व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग, श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो रोजगार मेले के क्रम लगे, कहीं मैं गया हूं, कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गए, कहीं पर डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी गए, कहीं पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह गए हैं, कहीं पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी गए हैं, और कहीं पर मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे प्रसन्नता होती है जब हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए कहता है कि हमें नौकरी भी चाहिए, मैं अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का बढ़ाऊंगा, मैं माँ बाप पर बोझ नहीं बनूंगा। यह अच्छी बात है, और इसीलिए सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है पीएम इंटर्नशिप की स्कीम। कोई भी उद्यम, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी उद्योग, अगर किसी पढ़ने वाले कोई नौजवान ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना चाहता है, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूशन या उद्योग देगा, आधा सरकार देगी, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर उसका प्लेसमेंट की गारंटी होगी। एमएसएमई विभाग के हमारे मंत्री यहां पर हैं, श्री राकेश सचान जी, इनके द्वारा एमएसएमई विभाग में 10 लाख युवाओं के लिए एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए उद्यम लगाने हैं, और हम लोग पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख ब्याज मुक्त ऋण देंगे। बैंक का जितना भी उसमें ब्याज आएगा सब सरकार बढ़ेगी, आप केवल मुनाफा कमाते जाइए। ये ऋण युवाओं को तो मिलेगा, लेकिन नंदी जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब युवा नहीं, ये बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बहनों और भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, नंदी जी के पास एक अनुभव है। यहां पे मैं देख रहा हूं तमाम ऐसे उद्यमी आए हैं जिनको मैन पावर चाहिए, अच्छा मैन पावर चाहिए, वे लोग बताएंगे, स्किल डेवलपमेंट विभाग बता रहा है, और हमें एक हमारे पास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नंदी जी ने भी जब काम प्रारंभ किया होगा, बहुत छोटे से काम प्रारंभ किया होगा, आज उनका कार्य का विस्तार हुआ, उन्होंने अपने कार्य का विस्तार दिया, सीख कर दिया। जज्बा होना चाहिए, कार्य करने की एक ललक होनी चाहिए, और ये छोटी सी पूंजी बाद में बड़ी पूंजी बनती है, सरकार उसमें सपोर्ट कर दे तो वही बाद में अपना एक नया स्टार्टअप स्थापित कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वही बाद में उद्योगपति बन सकता है, वही फिर किसी एक फील्ड का बादशाह बन सकता है, और फिर उसकी टूटी बोलती भी दिखाई देगी। मेहनत से कमाया गया पैसा फलता फूलता भी है, लंबे समय तक पीढ़ियों को यशस्वी बनाता है, और सही मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे प्रसन्नता हुई, 15,000 युवा एक साथ यहां पे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहा है। आज बहनों भाइयों, इससे पहले मैं लखनऊ में 12 विभागों के 1300 नौजवानों को, 1374 नौजवानों को हम वहां पे सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के आए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है, इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं।
और परिणाम आएंगे 7,200 से अधिक युवा उत्तर प्रदेश का युवा केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बनने जा रहा है। 7,200 ये बनेंगे और जैसे ये भर्ती पूरी होगी फिर से 40 से लेके 45,000 नई भर्ती फिर से आ जाएगी। अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को तो अब सर्टिफिकेट देने के क्रम में, नियुक्ति पत्र देने के क्रम में सरकारी नौकरी में आगे बढ़ रहे हैं। आप नोट करिए कितने बड़ी संख्या में, और फिर इतने ही और भर्ती के याचन उनको हम देने जा रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दो, उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक, मेडिकल एजुकेशन में बहनों और भाइयों 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। और अब माफिया नहीं, अब दंगाई नहीं, यूपी सुरक्षा का मॉडल प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेश का, इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। सबसे अच्छा निवेश आज यूपी के अंदर हुआ है। 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाएं हमें मिली हैं। और ये 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। ये भी तो प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए, लखनऊ में, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में। मैं अभी नियुक्ति पत्र दे रहा था, जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों अब ऐसा नहीं होगा, यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है, यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था आज वो भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुका है और उत्तर प्रदेश को अपनी युवा ताकत के बल पर हमें अगले 3 से 4 वर्ष में नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनाना, देश की नंबर एक की अर्थव्यवस्था। नंबर एक की अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे हर हाथ को काम हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी की सुरक्षा हो, हर व्यापारी का सम्मान हो, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित दाम मिल सके और प्रदेश आर्थिक उन्नति और समृद्धि के एक नए सोपान को प्राप्त करता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और उस क्रम में आज हम आगे बढ़ चुके हैं। बहनों और भाइयों मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह अपील करूंगा, ये विकास की योजनाएं हमें तभी, हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब सुरक्षा होगा, जब समृद्धि के नए सोपान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना कोई ऐसी गलती मत करना जो पुराने समय के उस दुस्वप्न को फिर से आपके सामने, उस प्रकार का पहचान का संकट खड़ा करने वाले फिर से आपको धमकी देते हुए, लूट खसोट करते हुए, अराजकता फैलाते हुए दिखाई दे। कतई नहीं, इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी है।
इसी के लिए आज मैं कोटपुर में आया हूं। मैं एक बार फिर से श्री प्रवीण पटेल जी को सांसद बनाने के लिए कोटपुर की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नियुक्ति पत्र, लोन, स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देता हूं और प्रयागराज को इन योजनाओं की और फूलपुर को खासतौर पर इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रयागराज के फूलपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन और किस तरीके से उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की तस्वीर बदल रही है, इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के फूलपुर में।